ये हम हैं और इधर हमारी फोटोशूट हो रही है। पार्टी नहीं, पार्टी शुरू होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरेदा। सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं आके ये पहुंच गई हूँ JDR में, जैसे आपको दिखा चुकी हूँ पहले, तो घर से डायरेक्ट JDR। आज हमारा किटी है तो हम लोग आके पहुँच गए हैं। बाहर थोड़ा सा शूट कर रहे थे हम लोग का, एक्चुअली बाहर में आज किटी था, लेकिन टाइम लाइट की वजह से नहीं, चिल्ड्रंस डे की वजह से। चिल्ड्रंस डे भी है एक्चुअली। हमारे दो टीचर्स, उनके स्कूल में यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है, तो उनके टाइम शेड्यूल के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा चेंज किए और रात को डिनर किए, तो वही सेम टू सेम अंदर करेंगे। ये है वो बिल्डिंग, क्या दिख रहा है, मस्त। उसके साथ हम लोग वाओ की तो प्यारे लग रहे हैं। एक पिक ले लो। वाह। और चलिए अंदर चलते हैं। स्मिता लोग सबको अंदर जा चुके हैं, बाकी फ्रेंड्स लोग आ रहे हैं। आज होगा नवंबर हमारी किटी में, जितने नवंबर के बर्थडे वाले हैं सबका बर्थडे सेलिब्रेशन, तो चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पे खड़ी है वाइट परी, और ये मैं धक्का दे दी पूरा। नहीं नहीं, और ये वाइट परी, चलिए परी की मम्मी वाइट परी हुई है आज। चलिए अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अंदर जाने से पहले मैं जब एंट्री कर रही थी, थोड़ा बहुत शूट करी हूँ आप अंदर आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये है होटल JDR, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जैसे अभी अभी दिवाली हो रहा है। और ये तो शादी का सीज़न है, तो ऐसा तो सजावट रहता ही है यहाँ पे। और ये देखिए, हम सारे फ्रेंड्स पीछे तरफ गए थे, ये थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर रहे थे। पीछे तरफ कॉटेज सब है, वो भी बुक करके वहाँ पे भी पार्टी वार्टी हो सकता है। हम अगर दिन में करते तो वहाँ पे करते, तो ये मॉर्निंग में अच्छा रहता है वहाँ पे। और ये इवनिंग टाइम है तो नहीं हुआ, यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटो वोटो उठाए और सबको यहाँ पे सेल्फी ग्रुप फ़ोटो सब ले रहे थे, तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी थोड़ा सा। और उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे ग्रुप फ़ोटो लेने के लिए मैं सबको बुला रही थी, क्योंकि पास से ही अच्छा आ रहा था, दूर से थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लग रहा था। तो यहाँ पे ना एक लाइट लगा था, वहाँ पे उठाए और ये अंदर, चलिए चलते हैं। अभी बाहर का वीडियो सब दिखा दी। ये जब हम लोग गए ना, रेस्टोरेंट पूरा खाली था, कोई भी नहीं था, जब निकले तो भरपूर था। तो ये हम लोग आ गए हैं हॉल में, जहाँ पे हमारा हॉल तो नहीं है, एक छोटा सा रूम है, तो 15 जन आराम से यहाँ पे बैठ के कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अभी खाना आना स्टार्ट होगा, अभी ऑर्डर करेंगे, गेम खेलेंगे। और ये हमारा जो किटी का जो बाकी सब कलेक्शन वो सब कर रहे थे, और ये बातें बातें कर रहे थे सब, कोई मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पे चिट उठाया जा रहा है यार, किसका नाम उठेगा देखते हैं। चलिए, तो ये निकला नाम इस बार चिट ममता भाभी का, जी हाँ। और ये रहे ममता भाभी, तो वो चौंक गए किसका उठा, तो सबको ही बोले अरे कंग्रेचुलेशन, सबको बोले अरे, वो तो पूरा शौक हो गई कि उनका उठ गया, तो बस चलो अच्छा है। और उसके बाद ये मैं बाहर जा रही थी, तो दोनों बच्चे देखिए अपना हाथ साफ कर रहे थे। तो मैं बाहर जा रही थी क्योंकि मैं छोटू के हाथ में कुछ सामान मंगाई थी, तो वो लाया था, तो हम लोग बाहर गए थे और फिर आ गए अंदर। और यहाँ पे ये प्लेट्स ला रही है ममता भाभी, जो वहाँ पे मैं वो सामान रखूँगी। उससे पहले चलिए गेम खेल लेते हैं, सामान भी दिखाऊँगी आपको। और गेम है ये, एक कॉइन है, उसको ऐसे पलटना है स्पून के सहारे, और स्पून में ही वो गिरना चाहिए, तो किसका सबसे ज़्यादा होगा वो विनर, और जिसका उसके बाद वो सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड दो प्राइज़ था, और विनर हुई इसमें स्मिता, और सेकेंड हुई है सनिता भाउजा। बहुत अच्छा गेम था, बिल्कुल पकड़ा नहीं जा रहा था, हाथ से नहीं उठा सकते, नीचे गिर गया। तो देखिए यहाँ पे, तो ये वाला है वो गेम, और एक मिनट के अंदर कौन कितना कर सकता है, तो ये वाला था वो गेम, बहुत मस्त आ रहा था। अगर टर्न हुआ तभी काउंट होगा, टर्न नहीं होगा तो वो काउंट नहीं होगा। तो मस्त वाला गेम था ये, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो ये वाला गेम, कभी भी किटी में या कहीं पे, तो मज़ा आ रहा था। टाइमिंग थोड़ा देखना पड़ेगा, सबका थोड़ा लिखना पड़ता है, और जो कि स्मिता कर रही थी। तो देखिए गेम हो चुका है चालू, तो सब कोई कर रहा है, बहुत मस्ती, बहुत मज़ा आ रहा था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या मंगाई थी। मैं मंगाई थी मीठा पान सबके लिए, तो सबको ही को ना एक एक नहीं भाया, तो सबको ही बोल रहे थे कि और एक एक नेक्स्ट किटी में मैं दो दो लाऊंगी सबके लिए, तो सबको यही बोल रहे थे पान बहुत टेस्टी है, पान बहुत टेस्टी है, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। और ये सीमा कर रही है लेकिन वो प्राइज़ नहीं जीत पाई, लेकिन अच्छा खासा सबको ही किए थे, 15-16 टाइम, मतलब टर्न करना बहुत मज़ा आया था, अच्छा लगा ये गेम। तो गेम खेलने के बाद फिर हम लोग का और भी बहुत सारा काम है, और ये देखिए ईजी गेम खुद चूज़ की थी, और थोड़ा ट्राई कर रही थी वो कितना टाइम कर पाएगी, क्या कर पाएगी, वो थोड़ा सा ट्राई कर रही थी। तो देखिए वो खुद करेगी तभी तो पता चलेगा कि कितना टाइम होगा, है ना, तो वही ट्राई कर रही थी। उसका भी 7-8 टाइम हुआ बस।
और ये देखिए अंबिका को मिला प्राइज़, क्योंकि हम लोग के किटी में एक दिया गया था गेम हेलोइन के दिन कि आप लोग थोड़ा मेकअप होके आना, तो उसमें जो लोग पार्टिसिपेट किए थे सबको अलग अलग टैग दे के प्राइज़ दिया जा रहा है। तो ये बबली का प्राइज़ सिमरन ले रही है, क्योंकि बबली आज नहीं आई, वो बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है, नहीं आई थी। और ये प्राइज़ है मेरा, क्योंकि मैं अभी उसमें पार्टिसिपेट की थी और मैं उसका शॉर्ट्स भी छोड़ी थी, आप लोग देखे होंगे। और इजी को भी मिला, सबको मिला प्राइज़ इसमें, क्योंकि गेम दी थी स्मिता तो उसको प्राइज नहीं मिला, और बाकी सबको प्राइज मिला जो लोग पार्टिसिपेट किए थे। कुछ ना कुछ मतलब क्यूट हेलोइन या फिर ऐसे ही टाइप का अलग अलग, सबसे बेस्ट ऐसा वाला। और ये लाई थी देखिए डोरा केक, स्मिता बना के, क्यूट क्यूट सा केक, बहुत टेस्टी लग रहा था, चॉकलेट केक था। और ये अपम पैन में वो बनाई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखिए, क्योंकि आज जिन लोगों का बर्थडे था सबको ही कुछ ना कुछ लाए थे एक्स्ट्रा। और ये भावजो लाई थी तरबूज वाला मिठाई, दिख रहा है ना तरबूज जैसे, तो जी हाँ वो भी लाई थी मिठाई। तो सबको ही मिठाई, केक और पान लास्ट में खाए। और ये है भावजो का प्राइस देखिए, जो कि वो विन की थी गेम में, उनको मिला था तो वही। और उसके बाद ये रहा स्मिता का प्राइस, फर्स्ट और भावजो सेकेंड। ये है लॉरियल का शैम्पू, और ये है बर्थडे केक, SMS लिखा है क्योंकि क्योंकि इस बार जितने लोगों का बर्थडे है सब लोगों का मतलब जो केक है सबका नाम SMS में आता है, मतलब S से और M से और S से, इसीलिए SMS लिखा गया है थोड़ा सा यूनिक करने के लिए। और ये सिमरन मेरे लिए शूट कर दे रही थी, क्योंकि इस मंथ मेरा भी बर्थडे था। तो इस मंथ में जितने लोगों का मतलब 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जितने लोगों का भी बर्थडे है किटी के, एक जिस दिन किटी होता है हम लोग उस दिन केक कटिंग कर देते हैं, वो तो आपको पता ही है। तो बस यहाँ पे हो रहा है केक कटिंग वटिंग, तो आप लोग देखिए एंजॉय कीजिए केक। आज 6 लोगों का बर्थडे था, सुनीता भावजो, ममता भाभी, उसके बाद स्नेहा भाभी, उसके बाद मेरा बर्थडे था, उसके बाद बबली का, पर बबली तो नहीं आई थी, और सुनीता भावजो का बर्थडे। तो टोटल हम 6 जन का बर्थडे, मतलब 7 जन का है तो 6 जन प्रेजेंट हैं, और बबली नहीं आई तो बबली का बर्थडे हम लोग नेक्स्ट मंथ मनाएंगे। और ये है वो 6 जन जिनका है बर्थडे, ये सीमा का बर्थडे भी है, सॉरी मैं तो सीमा को भूल ही गई थी, जी हाँ सीमा का भी बर्थडे इस मंथ लास्ट में है, 29 नवंबर में है उसका बर्थडे। और यहाँ पे सब कोई को मतलब मिल के एक साथ हैप्पी बर्थडे बोले। और इसके बाद हम लोग का डिनर टाइम आ गया था, और ये देखिए हमारे क्यूट बच्चे लोग यहाँ पे डिनर कर रहे हैं, तो सबको यहाँ पे बैठे थे। और ये देखिए परी बेबी थोड़ा लेट से आई, बेबी ट्यूशन गई थी, डांस क्लास गई थी। और ये देखिए सब कोई बच्चे हाई बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का डिनर स्टार्ट हो चुका है, हम लोग डिनर कर रहे हैं। मैं थोड़ा शूट करूँगी आपको दिखाऊँगी, हम लोग डिनर बहुत ही सिंपल किए थे, जैसे ये वाला पनीर था, कढ़ाई पनीर, पंजाबी कढ़ाई पनीर टाइप का, चिली पनीर था, प्लेन रोटी मंगाए थे और केक मंगाए थे, और फिर बिरयानी भी था। तो ये है आ गया गिफ्ट, तो इस बार हम लोग सबके लिए गिफ्ट किया गया है, जैसे किटी में गिफ्ट दिया जाता है। और जो 6 जन है 6 जन का इस बार का गिफ्ट सबको ही मतलब अलग अलग एक्सचेंज करके दे रहे हैं, देखिए सबको ही हम लोग कैसे ले लें, अकेले अकेले बोल के मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पे सब कोई का गिफ्ट भी मैं दिखाऊंगी आपको, आपको तो बैग देख के पता चल गया होगा कि ये संबलपुरी ड्रेस टाइप का कुछ है। तो देखिए सब कोई यहाँ पे गिफ्ट मतलब दे रहे हैं 6 जन को, बबली का पेंडिंग है, नेक्स्ट मंथ देंगे उसको। तो ये देखिए मैं दूंगी स्मिता को, स्मिता देगी मुझे, तो हम लोग का ये गिफ्ट का जो एक्सचेंज है वो चला। और ये देखिए सबका गिफ्ट संबलपुरी का ड्रेस सेट, जो कपड़ा रहता है ना वही वाला। और ऐसे ही करके हम लोग का किटी कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, और ये रात हो गया, और हम लोग ये निकल रहे हैं। मैं थोड़ा बाहर आई और थोड़ा सा यहाँ पे शूट कर रही थी, बाहर बहुत ठंडा ठंडा हवा दे रहा था, सब कुछ चले गए थे, और हम लोग ये निकले क्योंकि मिस्टर पुरोहित लेने के लिए नहीं आए थे ना थोड़ा सा, इसलिए देरी हो रहा था, तो हम लोग वेट किए थे। और देखिए स्मिता, इजी, मैं, अभिनव भी आ गया था, तो वो लोग भी हमें वेट किए थे, और ये आ गया मिस्टर पुरोहित। तो चलिए चलते हैं, मैं स्मिता को छोड़ दूंगी उसके घर और फिर घर जाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, आज का ब्लॉग यहीं पे रखते हो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तू है वही जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूं अब, तू ये जीना तेरे बिन है सजा। Oh,
तरह